बिहार विधानसभा का आज पांचवा दिन था, प्रश्नकाल चल रहा था, हंगामा बरपा हो गया था। हंगामा किस बात पर सबसे ज्यादा बरपा हुआ, वो हुआ तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ किए गए मारपीट पर। तो एक जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने एक मोबाइल निकाला, मोबाइल में उन्होंने दो क्लिप्स दिखलाए, दो वीडियो किया और उसमें दिखलाया कि बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है और बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट हो रही है। लेकिन दूसरी ही जानिब, दूसरी तरफ से जैसे ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी खड़े हुए, उन्होंने शैलेंद्र बाबू जो DGP हैं तमिलनाडु के, उन्होंने खड़े होकर कहा, उन्होंने ये बताया कि ये मामला उनके हवाले से कि उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें उन्होंने इस पर सफाई दी है और कहा है कि ये मामला पूरी तरह से फर्जी है और झूठ है। ज्ञान में लेते हुए अपने अधिकारियों को वहां के अधिकारियों से इस मामले की सत्यता को देखते हुए सत्य जानने के लिए अधिकारियों ने संपर्क किया और वहां के तमिलनाडु के जो DGP हैं, पहले हम उनका बयान जो है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में एक वीडियो रिलीज किया था, उसका अनुवाद हम करवा करके लाए हैं हिंदी में, पहले एक बार बयान सुन लीजिए। यही बातें थी वहां पर जो चल रही थी। लेकिन असली समस्या क्या हो गई, मैं आपको बताता हूं। असली समस्या कहां खड़ी हो गई, असली समस्या खड़ी हो गई कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तो इसको पूरी तरह से इस घटना को ही फेक बता दिया। दोनों वीडियो DGP के हवाले से उन्होंने बताया कि दोनों वीडियो पुरानी है और एक तमिल्स के लोकल तमिल्स के बीच में ही लड़ाई हो रही है और दूसरे में बिहारी मजदूरों और तमिल मजदूरों में लड़ाई हो रही है, इसमें कोई बिहारी अस्मिता और तमिलनाडु का मसला नहीं था। वहीं पर संसदीय मंत्री जो है विजय चौधरी जी, वो भी खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर बोल दिया, ये बात एकदम क्लियर कर दी कि भाई ये पूरी तरह से दो स्टेट्स के बीच में, दो राज्यों के बीच में लड़ाई लगवाने की बात हो रही है। तो यहां पर ये मसला हो गया। अब मसला कहां खड़ा हुआ कि RJD के ही वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कह दिया है कि बिल्कुल ये मामला बहुत गंभीर है और इस पर सरकार को मजबूती के साथ समझना चाहिए और सोचना चाहिए। बताइए, एक तरफ उप मुख्यमंत्री राजद के, वो कह रहे हैं कि नहीं ये कोई मुद्दा ही नहीं है, दो पुराने फेक वीडियोस हैं जिनको दिखाकर बरगलाया जा रहा है। दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि मसला तो बहुत गंभीर है, इसको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए, सरकार को इस पर कोई ना कोई एक्शन लेनी चाहिए। तो यानी कि क्या सरकार में ही दो फाड़ है, या तेजस्वी और शिवानंद तिवारी के जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी जहां से उनको सूचना प्राप्त हुई है, वो बिल्कुल गलत है? दोनों में से कोई तो गलत है, कोई एक सही है, लेकिन इस बार मामला यह है। तो एक तरफ विजय कुमार सिन्हा का यह मामला है जिसमें वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इसी बात पर प्रश्नकाल में बार बार सवाल कर रहे थे, जिस पर बार बार उनको जो सदन अध्यक्ष हैं, जो आसन है, यानी अवध बिहारी चौधरी, उन्होंने बार बार टोका कि आप प्रश्नकाल वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो फिलहाल ये घटनाएं हैं और ये खबर है। अब जो भी इस पर सच खबर आएगी हम आपके सामने साथ जरूर साझा करेंगे, लेकिन खबरों से बाखबर रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अगर इसको आप Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए और फीडबैक अपना देना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जाएं और जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं और आपके मुताबिक इसका क्या होना चाहिए। तो बने रहिए गज न्यूज़ पर, हम आपके सामने खबरों की झड़ियां लगाते रहेंगे।